आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं वजीर आला पंजाब की खसूसी हिदायत पर डीसीओ और ईडीओ हेल्थ कसूर ने चूनिया तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सफाई के नाकिस इंतजाम पर स्टाफ की सरजनिश की और मरीजों के लिए सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी कराई। चूनिया में वजीर आला की खसूसी हिदायत पर डीसीओ कसूर अमारा खान और ईडीओ हेल्थ कसूर डॉक्टर अब्दुल मजीद ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल की वार्ड में बेड की फटी हुई चादरें और सफाई के नाकस इंतजाम पर स्टाफ की सरदर्श की। जस्टिफिकेशन है गंद पड़ा हुआ है, बाबू हुआ है, ये क्या रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, इसका यहाँ पे क्या तुक है। मरीजों से इलाज मुआवजे की सहूलियात के बारे में पूछा, जिस पर मरीजों ने इजहार इत्मीनान किया। अस्पताल इंतजामिया ने स्टाफ की कमी, एक्सरे मशीन समेत दीगर मसाइल से आगाह किया, जिस पर डीसीओ और रेडियो हेल्थ ने अस्पताल को दरपेश मसाइल को तरजीही बुनियाद पर फौरी हल करने की यकीन दहानी कराई। क्या उस मामले की तरफ तवज्जो पहले नहीं थी, तो अब विजिट के बाद उस मामले की तरफ तवज्जो दिलाई गई है, तो उम्मीद है कि जब मैं अगला विजिट करूंगी तो उस मामले के ऊपर इन्होंने कोई एक्शन ले लिया होगा और उसको एड्रेस कर लिया होगा। मैडम ने ये हमें ऑफर की है कि जो चीजें आपके पास नहीं है वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ काउंसिल वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के बजट से मैडम हमें देंगे। खासतौर पर एक्सरे का मसला बहुत रहता है, मैडम ने वादा कर लिया कि वो अपने फंड से एक एक्सरे प्लांट इस टीएचक्यू हॉस्पिटल को देंगे। हकीकत यह है कि वजीर आला के दावों के बावजूद चूने का अस्पताल अभी भी बहुत सी महरूमी से दो चार है। सैयद आमिर हुसैन तकवी, आज न्यूज चूनिया। अहम खबरें अपने जानी, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए आज.tv। आज के साथ ही।